जाना, ये सफर है सुहाना, यहाँ कल के आओ किसने जाना क्या भाई ना क्या बोल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल नाज़िया डेली रिमाइंडर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ है मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। सो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिन भर का एक छोटा सा वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि जनाब के भाई की शादी जो है वो पूरी हो गई और उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर की हूँ और आज मैं आपके साथ अ डे इन माई लाइफ शेयर करने वाली हूँ। और जनाब की जो स्टूडेंट है सना उनकी सिस्टर की शादी थी, वहाँ भी इन्वाइट किया था तो वहाँ गए थे, वहाँ का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स वीडियो में आखिर तक बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले। अस्सलाम वालेकुम, आज जुमा है और अभी मैं नमाज कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। लास्ट 22 फेब को रिसेप्शन था और उस दिन उसके कल होके मैं पूरे दिन जो है वो सोई रही और आज जुमा है तो उठी हूँ, नमाज के तक बाद नाश्ता कर ली और जाना आपको देखिए नमाज पढ़ के फिर आकर सो गए हैं। लीजिए आ गया कॉफी। कब होगा यार कोई सर? हाँ कब होगा? कब नहीं, ग्लास नहीं दिए, ज्यादा दिए, ज्यादा नहीं आ रहा है। जग दे दिया, टाइम नहीं है कसम से, नींद ज्यादा आ रहा था ना इसीलिए कॉफी, तो अब मैंने गिलास में पी लीजिए। गजब बेइज्जती है। तो खत्म हो गया लेकिन पार्टी के बाद सबसे मुश्किल है सारे कपड़े को एक बार सेट करना और मैं आज वही कर रही हूँ क्योंकि जो लास्ट टाइम पार्टी के बाद जो मैं कल पूरे दिन जो सोई हूँ आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है। दोपहर में जनाब को कॉफ़ी देने का मकसद यही था कि जनाब जो है वो बहुत तरह से फ्रेश फील करे, बहुत ज़्यादा ही दे दी थी वैसे जनाब जो है वो कप में मांग रहे थे। और अभी मैं कपड़ा वगैरह सेट कर रही हूँ, जनाब अभी क्लास में है। और सब सेट ही कर रही थी तो मगरिब हो गई, मगरिब की अजान के बाद मैं पढ़ने लगी नमाज। और ये देखिए मैं यहाँ पर ट्रॉली रखी हूँ, वेट कर रही हूँ जनाब आएंगे तो फिर मैं ऊपर रखवाऊंगी। जनाब आ चुके हैं क्लास से घर और अभी हम निकल रहे हैं बाहर, थोड़ा सा फ्रेश फील भी होगा, बाहर जाएंगे और सब्जी वगैरह भी वापसी में ले लेंगे। शुक्रिया भाई। क्या हो गया, दोस्तों जैसा आप देख ही रहे हैं कि जनाब में आज पता नहीं क्या हो गया, कैसा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं। सफर है सुहाना, यहाँ कल के आओ किसने जाना क्या भाई ना कैसी बात करते हुए अल्लाह। और अभी हम आ गए हैं 2 नंबर आज़ाद बस्ती और ये है बारी मस्जिद के ठीक बगल में फ्रेश ड्राई क्लीन। यहाँ से कुछ मैं क्लीन करवाने दी थी ड्रेस, वो मैं अभी लेने आई हूँ। हाँ बैठो। और ये कुछ कुछ मेरे बैंगल्स है, अभी तो शादी वादी ख़त्म हो गई है तो मैं अभी सोच रही थी कि सभी को इस तरह से रखूं जब भी दोबारा निकालूं तो बहुत आराम से निकल मिल जाए, क्योंकि अक्सर जब होता है ना जल्दीबाजी में जब कोई सूट पहनना हो और आपको मैचिंग नहीं मिलता तो वही सोचकर मैं ये कर रही थी सारी जो चूड़ियाँ ना तो इन सभी के बॉक्स के ऊपर ना इस तरह से मार्कर से लिख दे रही हूं, ताकि मतलब जब भी मुझे कोई खोजना रहे तो मैं आराम से ले लूं। तो देखिए मैं इस तरह से इसमें लिख ली हूं, पिंक एंड ब्लू है इस तरह से, मेटल में शादी का मेरा ये येलो वाला है तो इस तरह से मैं सब कुछ अभी सेट कर ले रही हूं, फ्री टाइम है ना इसलिए चलिए कर लेती हूं। और ये वीडियो है लास्ट टाइम मैं जब पार्टी में गई थी सना जो जनाब की स्टूडेंट है उनकी सिस्टर की शादी थी तो वहाँ से इनविटेशन आया था तो वहाँ गई थी, तो मैं अभी ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। चलिए अरसलान रेडी हो गए ना। और मैं आ गई हूँ साजिया और गुड़िया अम्मी के साथ अभी पार्टी में और सबसे पहले मैं खा रही हूँ मीठा पुलाव, क्योंकि गुड़िया जो है उन लोगों का भी दावत था, क्योंकि सना जो है वो मेरी सिस्टर की फ्रेंड है।
और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, सभी यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, तो मैं भी आ गई। और गुड़िया जो है वो अपनी फ्रेंड लोग के साथ बिजी है। ये देखिए जुनैरा और गुड़िया। यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं मिली अपनी फ्रेंड्स नीलू से, जो कि मेरे कॉलेज की फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन आज मैं आपको उनसे मिलवा नहीं सकी क्योंकि वो बिज़ी है और निकाह भी शुरू हो गया था, तो मैं निकल गई हूँ। और ये कुछ कुछ क्लिप है जो जनाब मेरे लिए रिकॉर्ड कर लिए थे, शुक्रिया। ये उस वक्त का है जब बारात आया था, तब का है। अलहमदिल्ला सब कुछ अच्छे से हो गया और अब मैं घर जा रही हूँ। और ये है आज का एक छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।